हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। ये सीरियल नंबर है, क्या है सीरियल नंबर? यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये बोल रहा है साइड ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर का साइड कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। हो गया, समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि एरिया इसका ज्ञात करना है, एरिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है देखेंगे। ए आर ई एरिया ऑफ एस क्यू यू ए आर ई एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, साइड कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है ना। देखिएगा यहाँ पर सीरियल नंबर 1 है, ये 1 वाला बना रहे हैं, कितना दिया है 6, तो 6 सेंटीमीटर अगुन है। क्या हम 9 लिखेंगे, नहीं, यहाँ पे हम 6 ही लिखेंगे, साइड इनटू साइड है 6 सेंटीमीटर। 6 कपड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 36 यानी 36, और सेंटीमीटर कितना है, 2 है, स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत आ गया, फाइनल दूसरा समझे। चलिए सीरियल नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पे हम यहाँ से चेंज कर देंगे और यहाँ पे 2 दे देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू यही रहेगा, ये वाला समाप्त। इसमें साइड कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, दोनों साइड एक ही जैसा, 9 9 81 cm square। समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन भी। चलिए सीरियल नंबर 3 पे आते हैं, तीसरा सीरियल नंबर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इनटू साइड, ये तो रहेगा ही। क्या क्वेश्चन है बाबू, 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, 12 में 12 से गुना कर दीजिए, 12 में 144। हाँ ठीक है, मालूम है तो गुना कीजिए पहले, 2 गुनी और ये हो गया। दोनों तरह से आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, 144 cm square। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे वाला क्वेश्चन भी आप लोग CW के रूप में बना के दिखाइए।